हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों में काम आने वाले बहुत ही कमाल के होम टिप्स। तो गाइज, वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और बहुत ही काम आने वाले टिप्स हैं ये। और हमें पता भी नहीं होता कि छोटे छोटे टिप्स हैं वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं। यूजफुल वीडियो है ये, तो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। टिप नंबर वन, सर्दियों में आपने देखा होगा कि ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हर किसी को होती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है सर्दियों के मौसम में। इसके लिए मैं आपको होममेड एक इंस्टेंट क्रीम बताऊंगी, जो कि आप फ्रेश क्रीम बनाएंगे और फ्रेश ही फेस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेनी है फ्रेश मलाई, जो कि हर घर में अवेलेबल होती है, और मलाई आपको लेनी है। फिर उससे दुगनी क्वांटिटी में आपको लेना है शहद, हनी। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई है क्रीम। और इस क्रीम को लगाने से पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही ये क्रीम लगानी है। अगर रात में अगर इस क्रीम को लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो आएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम तो कभी होगी ही नहीं आपको। इसे आप हाथों पे भी इसे लगा सकते हैं। और इस क्रीम से आपको 5 मिनट तक मसाज करनी है फेस पे, और आधे घंटे तक लगा के रखना है। फिर उसके बाद गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। टिप नंबर टू, सर्दियों के मौसम में किचन में बार बार पानी में हमें कुछ ना कुछ वॉश करना पड़ता है, जैसे कि कभी सब्जी वॉश कर ली, या फिर जैसे आटा गूंद लिया तो आटा गूंदने के बाद हमें हैंड वॉश करना है। तो मतलब हाउसवाइफ का हमेशा पानी में हाथ रहता ही है, तो इसीलिए बार बार पानी में हाथ होने से ना बहुत ही ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते हैं हम लोगों के। तो इसीलिए जो है इस तरीके से आप जैसे किचन में काम करते करते भी अपने हाथों को गर्म रख सकते हैं। जैसे फटाफट से गैस ऑन कर लीजिए और अपने हाथों को गैस पे इस तरीके से गर्म कर लीजिए। टिप नंबर थ्री, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो हम नॉर्मल पानी से या फिर ठंडे पानी से कपड़े धोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ़ डालने के बाद भी कपड़े हमारे साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए अगर आप मशीन में गर्म पानी से वॉश करेंगे कपड़े, ज़्यादा गर्म पानी आपको नहीं लेना है, थोड़ा गर्म पानी ही लेना है। अगर गर्म पानी से आप कपड़े वॉश करेंगे ना, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि कितनी अच्छे तरीके से कपड़े साफ़ हो जाएंगे। टिप नंबर फोर, सर्दियों के मौसम में हम लोग आटा गूंदते हैं, तो नॉर्मल पानी से या फिर ठंडे पानी से आटा गूंदते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आटा गूंदने में, और फिर भी आटा अच्छे से नहीं गूंद पाता है और रोटियां भी अच्छे से नहीं बन पाती हैं। इसके लिए अगर आप गुनगुने पानी से आटा गूंदेंगे, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, अगर आप गुनगुने पानी से आटा गूंदेंगे तो बहुत जल्दी आटा गूंद जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंदेगा और रोटियां भी फूली फूली बनेंगी। तो गाइज, ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना बहुत ही कमाल की होती हैं और बहुत ही यूज़फुल होती हैं ये। तो गाइज, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टिप नंबर फाइव, हम हाउस वाइफ का हमेशा ही पानी में हाथ रहता है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है, बार बार हैंड वॉश भी हमें करने पड़ते हैं, जैसे क्लीनिंग का काम हम करते हैं या फिर बर्तन वॉश करते हैं, तो हमेशा ये काम करने के बाद हम साबुन से हैंड वॉश करते हैं। तो हमेशा पानी में हाथ रहने से सर्दियों के मौसम में हमारे हाथ ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि सर्दियों के मौसम में जैसे जब भी काम फिनिश हो जाता है हम लोगों का, तो हमेशा जैसे हमें साबुन से हैंड वॉश करने के बाद बोरोलिन लेनी है आपको, और बोरोलिन से मसाज करनी है हाथों में। अगर आप इसे रात में करेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो इस तरीके से आप रात को मसाज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे हाथ आपके, और बिल्कुल भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ठंड में भी आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। टिप नंबर सिक्स,
सर्दियों के मौसम में चिकने बर्तन को साफ करने में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी सर्दियों के मौसम में आपके चिकने बर्तन हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको चिकने बर्तन में सबसे पहले गर्म पानी से उसको वॉश कर लेना है, हल्का सा घुमा देना है गर्म पानी, तो वो सारी चिकनाहट अपने आप ही इसकी दूर हो जाती है। तो गर्म पानी से धोने के बाद फिर उसको विम से साफ़ कर लीजिए, तो एकदम चमक जाते हैं बर्तन और मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। टिप नंबर 7, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और धूप भी नहीं निकलती है कई कई दिन तक, और फिर हल्की हल्की धूप निकलती है और कपड़े नहीं सूख पाते हैं। अगर सूख भी जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत सीले सीले से कपड़े रहते हैं, ठंडे ठंडे से कपड़े रहते हैं, पहनने का भी मन नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनने से पहले हल्का सा प्रेस कर लीजिए कपड़ों को, तो जो वो ठंडापन है कपड़ों का वो दूर हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है गर्म गर्म कपड़े पहनना सर्दियों के मौसम में। लेकिन वूलन कपड़ों को प्रेस करने से पहले अपनी जो प्रेस को सेट कर लीजिए, जो वूलन कपड़ों का ऑप्शन होता है प्रेस करने का, उसे अपनी प्रेस को सेट कर लीजिए उस पर। टिप नंबर 8, घर में जितने भी मेंबर होते हैं सर्दियों के मौसम में सभी लोग सॉक्स पहनते हैं, तो सर्दियों में हर जगह घर में सॉक्स ही नज़र आते हैं और इनको रखना कितना मुश्किल पड़ जाता है और पेयर मिलना तो इतना मुश्किल हो जाता है ना कि एक सॉक्स मिल जाता है और दूसरा सॉक्स मिलता ही नहीं है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरीके से आप फोल्ड करके रखेंगे सॉक्स को, ईजीली आपको सॉक्स मिल जाएंगे और पेयर भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने सॉक्स अपने आप लेकर पहन सकते हैं और ये भी नहीं पूछेंगे कि मम्मी मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ है। तो इस तरीके से और बहुत ही कम स्पेस में ये सारे सॉक्स आ जाते हैं अच्छी तरीके से, इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे सॉक्स को। और इस तरीके से एक बास्केट ले लीजिए, उसमें सारे सॉक्स रख दीजिए और आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी बास्केट में इतने सारे सॉक्स इजीली आ गए हैं। और इससे जो है बहुत ही इजी रहता है घर के मेंबर्स को सॉक्स ले ढूंढना, और अपने आप बच्चे भी इस बास्केट में से अपने सॉक्स इजीली ले सकते हैं। टिप नंबर 9, सर्दियों के मौसम में मेथी के और बथुए के पराठे तो हर घर में बनते ही हैं। अगर आप मेथी को काटकर वॉश करके उसी टाइम पे आटा गूंदेंगे तो बहुत ही लूज़ आटा गूंदता है। आपने देखा होगा कि हम उसी टाइम पे अगर वॉश करके उसी टाइम पे हम आटा गूंदने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ आटा गूंदता है, क्योंकि जब हम वॉश करते हैं मेथी को तो उसका पानी भी आटे के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको मेथी का आटा गूंधना है तो उससे 4 या 5 घंटे पहले आप मेथी को काटकर वॉश करके आप जाली वाले बास्केट में आप रख दीजिए। 4-5 घंटे में जितना भी उसका पानी होगा वो सारा निकल जाएगा मेथी का। अगर उसके बाद आप आटा लगाएंगे मेथी का या बथुए का तो बहुत ही अच्छा आटा गूंथता है, बिल्कुल भी लूज आटा नहीं गूंथता है, नॉर्मल आटे की तरह गूंथता है आटा। और जब आपको पराठे बनाने हैं बथुए के मेथी के तो उसी टाइम पे आटा गूंदिए, अगर पहले गूंथ के रखेंगे तो लूज़ हो जाता है। तो गाइज यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।